हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल फंटा रिएक्शन। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वक्कार है। अभी हम देखेंगे बिग ब्रदर मूवी सनी देओल की कोई है और उसका कोई सीन है आपके साथ। अभी देखते हैं कि सनी देओल तो वैसे ही यार एकदम लेजेंड एक्टर है। उनका एक्शन, उनकी फाइट, हर चीज़ में वो बेस्ट है। उनकी डायलॉग डिलीवरी, तो एक ये सीन मिल गया, हमने कहा चलो देख लेते हैं इस मूवी में क्या होता है, तो प्ले करते हैं। एक बार क्या हुआ, एक शराबी दो मिनट बियर बार में है और बारमैन को सीधा बोलता है, ए जल्दी 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 से एक पैक दे, लड़ाई होने वाला है, लड़ाई होने वाला है। उसने धपाक से दिया, ये बिना पानी के पी गया। धपाक, रिपीट रिपीट रिपीट, एक पैक और दे, लड़ाई होने वाला है, लड़ाई होने वाला है। ए रुक रे, क्या लड़ाई लड़े बोल रहा है, कभी होगा लड़ाई? अभी जब तू पैसा मांगेगा। तो क्या हुआ? अरे क्या हुआ भाई, क्या हुआ, क्या वो बताओ ना। चलना काम कर अपना। अरे बता तो सही, आधे घंटे से पैसेंजर बैठे हुए इधर, दिमाग घुमा हुआ है, भेजा खराब नहीं करना, समझा? करता हूँ मैं, कुछ करता हूँ मैं, कुछ मदद करता हूँ तुम्हारा। अरे मेरा मैकेनिक अभी आने वाला है। अरे पर काहे को, काहे के लिए, मैं हूँ ना, मेरे को आइडिया, बहुत आइडिया है, बना देता हूँ ना भाई। अरे मैं ना पैसे के, अरे मैकेनिक है। अरे तू तू चलना यार, तू जाना, तू जा, मैं ना यार पैसे के जाल में लगते क्या, मेरे को आइडिया है स्टार्टिंग का। हाँ बहुत आइडिया, तू बैठ बैठ, मैं स्टार्ट कराता हूँ, बैठ ना तू बैठ। ये देख, ये लिया, ये घुमाया। हाँ अभी स्टार्ट कर, करना स्टार्ट कर, आइडिया मेरे को हुआ हुआ। अरे यार ऐसा होता तो था, ऐसा अभी कर, होएगा उन लोग का क्या, मीटर लोग का पूरा सिस्टम। हाँ हाँ होएगा, जोर से मारना, होता है स्टार्ट, होता है होता है स्टार्ट। आजा मैं तेरे को स्टार्ट करके बताता हूँ। भाई साहब थोड़ा गाड़ी आगे ले लो, गाड़ी के धुएं से सब मिठाई और दूध खराब हो रहा है साहब। ओके वेयर आर यू? अच्छा ठीक है, आई एम कमिंग देयर। क्यों बे, तेरा भट्टी के आग से मेरा गाड़ी का पेंट भी तो खराब हो रहा है। मैंने बोला तेरे को, बोला तेरे को, बोला तेरे को, बोला तेरे को, रुक जा। ए क्यों मार रहे हो उसको, चलो मैं कहता हूं छोड़ो उसको। ए इंस्पेक्टर छोड़ो ले। सलामत लेकर चला गया तो अपनी इज्जत का क्या, छोड़ूंगा नहीं इस साले को। आप अपनी इज्जत के लिए मुझे मारिए ना, मुझे मारेंगे तभी से समझ में आएगा कि इसे क्या नहीं करना चाहिए था। ए! मेरे भाई को हाथ मत लगाना। करेक्ट बोला। ए! इसको ले जाओ और उधर बांधो, चलो भैया। तो मत जाओ, हम लोग सब देख लेगा। नहीं, इस वाले खंडे में बांध, सब को दिखना चाहिए, पूरे मोहल्ले को। बांध साला, पांडे पे हाथ उठाता है। छोड़ दो मेरे भाई को, देख छोड़ दो, देख मैं तेरे भाई का क्या हाल करता हूँ, देख साला। Come on up!
हड्डी तोड़ूंगा तेरी। छोड़ दो। इससे तो अच्छी दिल्ली थी, वहां हमारे सामने कोई आंख भी नहीं उठा सकता था। रजी भैया पुलिस आई है। रज्जी बोल रहा हूं। हाँ पुलिस लॉकअप में हूं भाऊ। अरे एक नया बटलर आया है साला। हाँ। देखो ना उसका तो गेम बजाऊंगा भाऊ, नहीं तो अपना नाम रज्जी पांडे नहीं। इन दुकानदारों की बात कर रहा है, कोई दुकानदार नहीं आया गवाही देने के लिए। और कौन सा केस, कैसी कार्रवाई, रज्जी पांडे को छोड़ दिया गया है। बात करता केस बनाने की, ये तो गैरतमंद है। भाभी जी आकाश भैया पर वो गुंडा रंग चला। आकाश भैया बाहर रज्जी पांडे आया है। जल्दी बुला रे बटलर को। आइए आइए। नमस्कार। चायला चाल चाल। क्या है ना, कानून का और मेरा कुछ जमता ही नहीं है, इसलिए वो लोग ज्यादा देर मुझे अंदर नहीं रखते। हाँ लेकिन तू मन छोटा मत करना, तूने मुझे अंदर करके बहुत बड़ा काम किया है रे, बहुत बड़ा। इसीलिए सोचता हूं कि अब मैं भी एक बड़ा काम करूं। है शंकर बाहर निकाल उसको। चल ए, चल बाहर निकल, चल आजा आजा। मेरी बहन को छोड़ दे, अंजलि छोड़ दे मेरी बहन को, छोड़ दे मेरी बहन को। आज तो बचेगा नहीं मेरी हाथ से। आकाश, आकाश कहाँ जा रहे हो? मैं कोई बाहर नहीं आएगा, कोई बाहर नहीं आएगा। हम भी गया भाई, भाई 250 रहा थे।
जिस पर पड़ा तो वो दुनिया भी उठा। भैया भैया आकाश अंजलि को लेकर ऊपर जाओ। लेकिन लेकिन भैया बोला ना तेरे को ऊपर जा। जी भैया। इस आदमी ने भरे बाजार में एक पुलिस वाले की बहन पर हाथ डाला है। तो हम खुद कंफ्यूज हो गए यार, सनी देओल अपने आप को पिटवा रहा है यार। हम तो उसके एक्शन के लिए थे कि कुछ करे फाइट, पर जैसे यार उसकी बहन का सवाल आया तो फिर भाई उस गुंडे को जो उसका हशर किया भाई देखने लायक था। और मज़ा आ गया ऐसे जो मुक्के मार रहा था ना, दुश्मन उड़ते जा रहे थे हवा में। तो यार सनी देओल बस बेस्ट एक्टर है यार, उनकी एक्शन उनकी फ़ाइट की हम क्या तारीफ़ करें। आज तो उन गुंडों को ऐसा सबक सिखाया, ये बड़ा वो आप बड़ी मुंडी वाला आदमी आया था एकदम सांड टाइप का, डरने वाला ही नहीं था भाई, मुकाबला कर रहा था। पर भाई सन्नी पाजी का ये 2.5 किलो का हाथ है तो उसके आगे कोई टिक ही नहीं पाएगा भाई। मजा आ गया, मजे की बात है भाई। पहले तो सुबह हमने देखा तो वो उसको मार रहा था, बड़ा वो खुश हो गया भाई, चला गया। फिर पुलिस वाले की जो बहन पर हाथ जब
उसने डाला। फिर सनी देओल आ गए तो भाई उनको ऐसा मारा मार कर भाई, जैसे ऐसे बॉल को फेंक रहे थे ना बाउंड्री के बाहर, ऐसे छक्के मारा। ये 2.5 किलो का हाथ मैंने अब भी देखा उसका, तो ऐसे गाड़ी का वो तोड़ कर भाई ऐसे गुंडों को फेंक रहा है। ये देखकर गुंडा भी जो भाग कर पुलिस वाली गाड़ी में छुप गया, भाई पुलिस आओ मुझे बचाओ, कौन आएगा भाई बचा नहीं है मुझे मार डालेगा। पुलिस भाई बाहर खड़ी हुई थी, बस वो किसी की हिम्मत नहीं होती इसको रोकने की। भाई रोकने की बात है, उसने पर लास्ट में ऐसा जवाब दे दिया भाई, पुलिस वाले की बहन पर इसने हाथ डाला तो तभी इसको मैंने सजा दे दी। हाँ ये बड़ी बात है सनी देओल जी। मैं भी यार ये देखकर हैरान हो गया, पर पहली बार ये खामोशी से मार भी खा रहा था भाई, पता नहीं अब फिर से ये जो अपनी बहन पर, जो पुलिस वाले की बहन पर हाथ उठाया ना, ये उसके पास गिर गई तो भाई इसका एग्रेशन था भाई, क्या इधर से मुक्का मारा उधर से मुक्का मारा भाई, उनकी पैंट गीली कर दी भाई। ये तो मैं भी हैरान हो गया भाई, पहले क्यों खामोश था, अगर पहले ही एग्रेशन दिखा देते ना सनी देओल तो भाई इनके बस की बात नहीं थी ये, पर ये खामोशी थे, सुन रहे थे, मार भी खा ली, वो उसका मजाक उड़ा थे भाई, फिर से लेकर आओ अपनी बहन को, तुम्हें भी मारेंगे फिर से। पर जैसे भाई ने 2.5 किलो का ये क्या 5 किलो का हाथ ऐसे मारा ना झापड़ के ऊपर, भाई मज़ा आ गया ये देखकर, बड़ा अच्छा लगा। सनी देओल की मूवी थी ये, और ऐसे सीन्स और भी होंगे, हम ज़रूर देखेंगे, उनकी हम फाइट के बड़े फ़ैन हैं। तो मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।